भाई ये कांग्रेस वाले नहीं हुए कहे जीता रहे जब बनी हुए कहे दे मोदी ने बदनाम करने के चक्कर में लाग रहे हैं। ठीक है, सांसद था हमारा ये अरविंद शर्मा आड़े बन रहा था, सांसद ने कदे आग मारे आड़े देखा है ना, कट्टर बड़ी आदमी है, बहुत बड़ी आदमी है, और हम तो ये कहा जब तक जीवो जब तक यो रहे ईमानदारी चाटा ना एक होगा तो उसका मैं रहेगी सरकार करिया के इसने कट्टर कुछ भी ना करिया। राम राम जी। अरे राम राम। आप गए थे उड़े धरने के ऊपर? गया था। पर सरकार की नीतियां कैसी है बीजेपी की बात? सरकार की किसी है बिना गंदी है। सारी कमी है बहन चो अडानी ताई देश सब के अडानी अंबानी ताई देश है धरती ने सब क्या इनको वो खरीदेगा और वो देगा भाण बेटी है कोई सुनाई ना पीटी बहन चो लोड़ा गिर गिर हर रोड अब गिर पिटी खट्टर तो नुक है सुधा नेता है बढ़िया क्या कहा खट्टर है बैठ जाओ मुसलमान से कितने अभी से अच्छा। खट्टर है मेरे बोकले नाम कर देगा मेरे बोकले नाम कर देगा कह दिए अच्छा। हाँ तो फिर के चाहो 2024 में किसने दोगे वोट? कांग्रेस तो देंगे बस खुल के हरियाणा में ये बीजेपी वाले दोनों का 65 सीट आऊंगी। अरे ससरे झूठे बहन चोद क्या है मकड़ पड़ कर देते बेसक अच्छा। हाँ ना तो कदे भी ना अपने वोट ना है एक भी को नहीं। खीर कुत्ता एक भी को ना किसी और अच्छा। हाँ हाले नू गल्ला भेपेंद्र हरा दिया जा जन्म पछे काट दिया थ्री व्हीलर में इनका राज से कम में करो बस इतनी कहूंगा और ना कहूंगा बात और बता दो बहुत तो हो गए बहुत कह रही बहुत सारी ये मेरे दौर को कर ले बंद भाई को कह दे और ना कहूंगा नहीं और कितना ये बॉर्डर लागे खट्टर थे हम बॉर्डर डर के लागे खट्टर थे मन ने फांसी तोड़ा मेरा उम्र रह रही भाई 80 साल का हो लिया ये क्या करेगा मेरा वो मैं नहीं करे। हां करेगा तो देख लेंगे। हां देख लोगे और तो फिर इतने धरने क्यों दे रहे जाता हो जी सरकार में नरे कदे तो कर्मचारी बैठ जाए कदे किसान बैठ जाए ठीक करे हैं कि तो एमएससी देते ना और क्या मना माफी मांग ली फिर दई को ना वो प्रधानमंत्री है बाण बेटियां ने रोड पे गिर गिर कर पिटे है परेशान हो रहे हो मुंह मत आवाज काटता नहीं मुंह मत आवाज नहीं काटता मत होया बैठे अनपढ़ आदमी कटवा के मारेगा। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम बिरम भाई। प्रधान जी 9-10 साल हो गए हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किसान विकास कार्य करवाई ठीक है भाई मोदी के राज में ठीक हो रहा सब कुछ। खट्टर साहब के बारे में क्या कहोगे? ठीक है खट्टर साहब भी भाई अब के चाहो 2024 में जनता के मानना है परिवर्तन या दोबारा 24 में तो भाई मोदी बनाएंगे वो तो आपने ऊपर की बात सेंटर की बात कर दिया हरियाणा हरियाणा में क्या रहेगा भाई हरियाणा का दूर है लोकसभा के बाद राय देंगे हम तो कोई अच्छा। हाँ भाई तो विकास के रहे हैं 9 साल ये खट्टर साहब। हाँ ठीक है भाई पिछले पहले राज में ज्यादा थे धनखड़ साहब जब पंचायत मंत्री थे ये फर्क से और ये कमजोर है भाई ये तो विपक्ष में हमारा काम क्यों करेंगे अच्छा गलत तो नहीं कह रहे जब हम राज में थे तो हमारे काम अच्छे हुए भाई बहुत अच्छे हुए अब हमारे साथ दो चार हो रहा है कोई हमारा काम नहीं होता है कुछ नहीं हो रहा आरटीओ ना जीण देता का काड़ है गण दे रखी मेरे यार कति कसूती दा कैसे रहे 9 साल रियल टीम विकास कर रहे हैं जो बीजेपी आज कहो 4 नहीं अच्छा 4 साल 14-19 की बात हां बस हां बाकी बकवास गया सब कुछ बाकी बकवास है। और एमएलए एमएलए बेचारा क्या करेगा विपक्ष में वो क्या कर सकता है एमएलए बढ़िया हमारा कोई दिक्कत नहीं है हां जी विपक्ष होना का भाई वो फिर दोबारा ये सीएम कौन सा होता 2024 में दोबारा खट्टर साहब ना भैया हम नहीं चाहते खट्टर महाराणा चाहिए उड्डा साहब भूपेंद्र आओगा बापू आओगा बैठन कौन बन दे भाई पहला बस बापू जीन लाग रहा गलत नहीं की कारण था 10 साल हो लिए कांग्रेस आई नहीं दोबारा राज में हमने तो बनाए दी अपने अड़े थे हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जता सका हां एमपी में तो दीपेंद्र सिंह उड्डा रहा भी रखे तो भाव हम तो मोदी के फैन हैं मोदी तो ऊपर मोदी नीचे अपना जो चाहिए हमने अच्छा नीचे कांग्रेस चाहिए ऊपर बीजेपी अपना क्या माना जी बिल्कुल भाई यही अपना है ऊपर मोदी साहब नीचे भूपिंदर साहब फिर ऊपर अगर मोदी मांगो दाड़े खट्टर साहब कहने चाहिए दाड़े तो रहे भाई 10 साल तो अच्छा याद हो 10 साल परिवर्तन भी तो जरूरी है बिल्कुल जरूरी है फिर इसमें पाठ पढ़ रही कांग्रेस में तो क्या पाठ पढ़ की बताओ ये तो भाई साहब ये तो चौधरी ने आ रही है एक
कहने की बात है, ये तो सब मऊ भाई, ये तो हर जगह हो। फिर ये नुकसान नहीं देगा आपकी पार्टी का? कुछ नुकसान ना देता भाई, सुरजाड़ा न्यारा है या सब न्यारे हो, एक घर में सब एक घर ना रहे, सब अलग अलग घर आ रहे अगर भाई कोई फर्क नहीं पड़ना ना, कोई फर्क ना पड़ेगी बात। हाँ जी, राम राम भाव जी। राम राम भाई। शुभ नाम? संजीव। अपना क्या मानना है कि बताओ? देखिए खटर ने वहाँ कहते जा जुर्मा के देखे भाई है, बता दे 9 साल हो लिए विकास के, 9 साल बताओ बीजेपी तो है, बीजेपी के कड़े 5 साल थोड़ा धनखड़ था जब तक हम काम होया हमारा, उसके बाद क्या काम होया है? कदे इसने कभी रैली करी हो अरे बता दे भाई, कब भी आया हो यो किधर खट्टर के कुछ कमियां रहेगी सरकार करिया के इसने खट्टर ने कुछ भी ना करिया, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी भर्ती दे दी। हाँ के दे दी भर्ती दी कड़े से नहीं तो बता देगा दी हरियाणा तो सबसे ज्यादा नौकरी सरकारों में मिली है भाई, हमने तो किधर दिखी कोई ने भर्ती मिली होगी ने। सार्वजनिक कार्य कैसे हुए? कुछ भी ना होया, जो मारे आ गए हो लिया, जो हो लिया, जो धनखड़ था इतने फिर ना आया अरे कुछ डांस भी। तो आप 24 में क्या चाहो? 24 में हम तो ये चाहो भाई चटोला साहब आज ठीक रहे। अच्छा हाँ इन्हें लो आज ठीक रहे। हाँ चश्मा दुष्यंत भी कुछ ना लगड़िया सोच रहा जूठी बोर बटाई मार करूंगे मां जा बैठिया वो कट्टर दो रहे। इतने बढ़िया नेता हैं कट्टर साहब, ईमानदार नेता। कौन सा नेता ईमानदार नहीं हो तो बता दे, ईमानदार इन चट्टा ना एक होगा तो सब बिल्कुल। अपना क्या मानना बाबू जी, आप नारी विचारधारा रख लगे कट्टर साहब है नहीं मानना? कट्टर बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और हम तो ये कहा जब तक जीवे जब तक यो ही रहे, जब तक जीवे जब तक यो ही रहे, बहुत अच्छा आदमी है। विकास कार्य की कुछ हुई? बहुत काम करे, 10 साल हो गए, बहुत ज्यादा काम करवाए, किसी सरकार ने नहीं करवाया आज तक ऐसा काम, इतना काम किसी सरकार ने नहीं करवाया जितना खट्टर ने करवाया। हुड्डा साहब की कह रहे हैं हुड्डा नहीं आएगा। तो ये जो पार्ट पड़ रही है, ये जो अलग अलग हो रहे हैं, इसका कड़े नुकसान देगी कांग्रेस? यही तो नुकसान हो रहा है ना इन सारन से, ये सारे चौधरी। हाँ हाँ खट्टर बढ़िया आदमी भाई, सभी बात की बात कर लो। और कोई ना कोई अमन नहीं, इतनी नॉलेज कोई ना भाई इनके बारे में। विकास कार्य बता दे आले भाई। ना ना मैं बता ही नहीं सकता भाई आप क्या कोई मतलब नहीं इन चीज का। हां राम राम भाई साहब। वीरेंद्र भाई साहब। अपना क्या माना जी, कैसे रहे 9 साल हरियाणा सरकार? अच्छे है जी, कुछ विकास कार्य? विकास कार्य तो अपने भाइयों ने बताई है वही है, 5 साल अच्छे हुए, 4 साल में जब विपक्ष में आ गए तो भैया कांग्रेस का एमएलए हो गया, धनखड़ साहब थे जब, यहाँ खूब विकास हुआ है जी। अब 24 में कैसा हो? 24 में हम मारे चाहे थे कि वो हम तो पीछे भी पावर के बचाव आते भाई भाई साहब ऐसा है, अभी तो भाई साहब ने बताई थी लोकसभा चुनाव होंगे, उससे थोड़ा सा पता चलेगा क्या। नहीं पता तो क्या चला था, अब पिछली बार भी बीजेपी की 41 सीट थी एमएलए की, 10 की 10 एमपी की 9 की 9 जिता रखी। तो ऐसे ही होता है ना, बीजेपी दोनों का 65 सीट आऊंगी है। हाँ सकती है भाई साहब, पता हुआ है तो मारे गए साहब दोबारा। हाँ दोबारा मैं भाई ईमानदार नेता है, अच्छे नेता है भाई। ये नौका निष्पक्ष भर्ती भर्ती है नहीं? हाँ वही है भाई साहब, बिल्कुल निष्पक्ष हुई है भर्ती सभी, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। हाँ जी मौजी राम राम। राम राम जी। अपना क्या मानना है? बड़े मस्त भाई मारा मानना दियो, एक 9 साल में काम तो है ना कुछ भी, लास्ट में होने लगे काम थोड़े वोटा के चक्कर में। अच्छा नया पहले नहीं हुए? पहले इतने काम ना हुए, कुछ कमियां रह गई थी। सड़क तो है जर्जर तैयार, बॉर्डर तैयार, लास्ट में ही बनवाई ने जाके ने। और भाई काम तो ही बाद में लाइक वोट के चक्कर में सारे काम होने लगे रही। तो खट्टर साहब ईमानदार नेता दिया तुम्हारा? देखो सांसद था हमारा ये अरविंद शर्मा आड़े बन रहा था, सांसद ने कभी आके हमारे आड़े देखा है ना? एमपी साहब आए नहीं? कभी नहीं आया, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। हमारा सांसद है वो दूर तक अखबार में कम कहे जा, लेकिन वो यहाँ का कुछ कराया नहीं उसने। ये वो के नाम है अपना विधायक है, विधायक क्या करेगा बताओ, विधायक चलती कौन है? वो कांग्रेस का होगा, विपरीत हो गया, विपक्ष तो अलग हो गया, मतलब उस हमारे उसकी चलती नहीं बेचारे। 24 में फिर? 24 में भाई हरियाणा में तो मेरे ख्याल में हम तो कांग्रेस की वोट देते हैं यहाँ पर, तो बीजेपी उनका 65 सीट देगी, देंगे 65 सीट बीजेपी कहे जाएगी, बीजेपी तो कहेगी भाई उनका काम है। अच्छा। राजनीति करना अच्छी जाना है,
एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीन तीन स्टेटों में बीजेपी जीत के लिए। भाई वो तो देखो भाई, वे तो जीत के चलो ठीक है, बढ़िया अच्छी उनकी किस्मत थी जीत के, पर वोट फिर भी बताओ प्रतिशत कांग्रेस का ज्यादा था। रोड उसका मशीन ना एक बार की हो। अच्छा, मशीन बार मशीनारी बार था भाई। अच्छा। अमेरिका था, डोलरा मारी तू मशीन आओ है भाई बार था, बताओ है बड़े बड़े और भी बताओ है, टीवी चैनल में भी सुना है कि मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, के पता मशीन में गड़बड़ है कि भाई तू जनता का ऐसा रुझान है ना बेरा गड़बड़ कर दे है। और के फिर तीन तीन स्टेट में आड़े, फिर हरियाणा में 41 सीट क्यों लिया, फिर 60 लिया और 65 लिया और 75 लिया। भाई ये कांग्रेस वाले नहीं हुए कहे जीता रहे जब बनी हुए कहे दे, मोदी ने बदनाम करने के चक्कर में लाग रहे हैं। अच्छा। ठीक है, बस नहीं हुए कहे दे, बोले भाई इसने मशीन नाम गड़बड़ कर दी, मशीन नाम क्या गड़बड़ करे, अरे जीत ये पंजाब में ना करी उसने, दिल्ली में ना, हाँ दिल्ली में ना करी, दोनों जगह गड़ बना गए हो भाई। विकास का के बेरा भाई, आपने तो विकास हो ना हो, अपर ये आड़े इसने बीजेपी ने आड़े ये आरटीओ का तो बैंक डंडा दे रखा है। आरटीओ तो समझते हो गए जो गाड़ी घोड़ा जीरो कर रखे है, मार गिर दिए कथी इस सरकार ने, तो आत्महत्या करने लग रहे हैं, जो अपना रोटी रोजी कर रहे थे, दाल रोटी लग रही थी वही बंद कर दी। चाहोगे परिवर्तन हो चुका? हाँ बिल्कुल। कौन देखो सीएम? भाई सीएम का तो इतना मन ज्ञान नहीं, लेकिन हमने जो थी बात मेरे दौरा बात दी बता बदलना चाहो भाई, बदल जाएगा के होगा, वे भी सहाय करेंगे, ये लाइन बन गई है तो हाँ सारे पिल लेंगे। फिर इतने धरने क्यों धरे जाए सरकार में, सारे सारी जनता रोड़ा बैठी है, जमींदार पीछे एक डेढ़ साल सड़क के ऊपर रहा। दे भाई इतना तो ज्ञान मेरे तो है नहीं, वो जो बंदा है ना वो सीनियर है इस मामले में। ताऊ जी भी आ गए। हाँ ये बाबू जी, अपन पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं दोस्त, कोई ज्ञान नहीं। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब, रिंकू गुलिया नाम है जी। गुलिया साहब अपना क्या मानना, कैसी रही सरकार की? भाई साहब सरकार की नीतियाँ तो कमजोर रही हैं, क्या है कि खट्टर साहब ईमानदार आदमी, इस बात में कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उनको अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। और जो ये दुष्यंत, 10 साल हो लिए ना, ना भाई साहब देखो नहीं हुआ ना अनुभव, तो दिख रही है नीतियाँ इनकी। जो दुष्यंत साथ में आया है वो अपने स्वार्थ के लिए साथ में आ गया, और गलत काम कर कर के उसने भी खूब पैसा बटोरिया है, ये तो चौड़ी एमपड़ी दिखने लग रही है। 2024 में क्या चाहोगे? 2024 में भाई साहब परिवर्तन आना चाहिए, 10 साल इन्होंने राज कर लिया, तानाशाही नहीं होने देनी है ना, तो लगातार एक सरकार ही नहीं बननी चाहिए। हालांकि बीजेपी जो है मोदी सरकार ठीक है, केंद्र की सरकार ठीक है, उनकी नीतियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन खट्टर साहब जो है उनसे मतलब सेंटर से अपने स्टेट के लिए कुछ खींच नहीं पा रहे। सेंटर का काम होता हुआ स्टेट को कुछ देने का, क्या दे पाए अब तक? उनको निष्पक्ष भर्तियाँ बिना खर्ची पर्ची करी भाई साहब, वो उससे जब इतनी जनता की संतुष्टि थोड़ी होती है, परसेंटेज तो बहुत कम है ना। एक गांव में मान ले 4000 आदमी रहे हैं, उसमें 2 आदमी लग गए, उससे क्या होगा? फिर परसेंटेज भी होनी चाहिए ना किसी चीज़ की। ये कुछ हो ये फ्री वरी दे दें, सिलेंडर फलाना देखड़ा, लेकिन वो मिलती कितने लोगों को है? वो बोलने को तो बोल देते हैं लेकिन लोगों को तो पहुंचती कहाँ है? संख्या ही बढ़नी चाहिए ना इन चीज़ों की। तो अगल आगे आपने दोबारा आओगे बीजेपी, 65 सीट की बात हो रही है ना जी? ना ऐसे तो ये पिछली बार 75 पार कहे थे, जब किसी और का सारा लेके सरकार बना रहे हैं। कौन देखो सीएम ने? नहीं सीएम देखो बदलाव होना चाहिए जी, हमारे हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा इनकी सरकार आनी चाहिए। अगर आपके विधायक की बात करें कुलदीप सिंह, विधायक का तो ऐसा है जी, अब कांग्रेस सरकार के हम चाह रहे हैं तो कांग्रेस का ही विधायक होना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, एमएलए कहेगा भाई मैं दूसरी पार्टी का हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मजबूरी हो रही है। हम तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई हम वो बोल रहे हैं अभी। हाँ कुछ और बात रहेगी भाई साहब सुनो, ये जो 3-4 जिले इनके साथ जो है ना,
अलग से व्यवहार किया जा रहा है। कौन-कौन से जर सोनीपत रोहतक वगैरह जींद वगैरह इनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे जिलों में जाता हूँ, मैं गुड़गांव में भी जाता हूँ, इस हमारे एरिया तो यही हो गया। खैर जर रोहतक यहाँ जो है सरकार की नीतियाँ जो काफ़ी सख्त हैं, मतलब जो भी कोई काम धंधा है या कोई और मामले हैं उनमें सरकार की सख्ती बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे जिले हम जाकर देखा तो नहीं है ऐसा। तो जैनबूझ किया जा रहा है इस एरिया के साथ। अब इनको यहाँ से वोट नहीं मिली तो जनता में किसी कुछ परसेंट लोगों ने वोट भी दी होंगी तो साथ साथ वो भी पिछ रहे हैं, वो भी परेशान हैं। तो ये कौन सा तरीका है सरकार का? कट्टर साहब ईमानदार आदमी, सिर्फ एक ये गुण है, इसके अलावा इनमें कोई गुण नहीं है। वैसे भी ये स्टेट के लिए पैसे जो देते है सरकार लगाने के लिए ना, तो उसमें कोई बढ़ोतरी कर रखी इस बार, अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं खट्टर साहब। ये अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते वो भ्रष्ट हैं, लेकिन ईमानदार है, लेकिन देखो जनता के प्रति ठीक नहीं है ये मामला। पिछली सरकार में जो है अपने पंचायत मंत्री धनखड़ साहब थे, उन्होंने पैसा दिया था, लेकिन जो सरपंच वगैरह थे ना इस एरिया के, उन्होंने पैसे खा लिए, 5% पैसे आए। उसी से जनता थोड़ा बहुत न्यू कह रही है कि हाँ भाई पिछली सरकार में थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ था, लेकिन सरपंचों ने खूब पैसे उड़ाए और खूब खाए। ये बात अब बीजेपी सरकार भाई उनके अंडर का काम था ये, तो उसको गढ़ने नहीं दे रहे हैं। एक भी गांव का सरपंच ऐसा नहीं है आसपास जो पैसे खा नहीं रहा हो। हाँ, टोटली लॉबी बना के काम करे सरपंचों ने, इकट्ठे एक कार में घूमा फिरा करते, एक कार में चंडीगढ़ जाया करते, कुछ काम नहीं होने दिया जी गाँव में, ठोकर लगती है गलियों में। इसीलिए अब की बार जो सरपंच थे सारे पलटी मार के दूसरे, अब की बार जो सरपंच हैं ईमानदार हैं ज़्यादातर, सभी क्या होते हैं भाई, लेकिन फिर भी 70-80% ईमानदार हैं। अब उनको ही सरकार पैसे नहीं दे रही है, अब इलेक्शन आए हैं, अब कुछ दे दो तो दे दे, नहीं दे तो भाई अलग बात है। हाँ, तो अच्छी सरकार नहीं निकली है, जैसा हम सोच रहे थे वैसे निकली नहीं। हाँ, और मेरे हिसाब से अब की बार परिवर्तन आना है सरकार में।